नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपने फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं क्राउन कीटनाशक के बारे में पूरी जानकारी। जी हां मित्रों, यह किस कंपनी का आता है, इसमें साल्ट कौन सा रहता है और इस कीटनाशक से हम किस किस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है और इसके रेट क्या हैं। अगर हम क्राउन कीटनाशक की कंपनी की बात करें तो यह कृषि रसायन कंपनी का यह कीटनाशक आता है। अगर हम इस कीटनाशक में साल्ट की बात करें तो इसमें डेनोटोफुरॉन 20% एसजी में रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इस कीटनाशक से किस किस कीट को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसका प्रयोग मुख्य रूप से धान की फसल में BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर को रोकने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ यह एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। धान की फसल के साथ साथ इसका प्रयोग आप कपास की फसल में, मिर्च में, टमाटर में, भिंडी में भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में जो BPH यानी हॉपर की समस्या आती है, यह 3-4 घंटे में सभी कीटों को खत्म कर देता है। यह बहुत ही घातक कीटनाशक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इसकी डोज की। अगर आप इसका प्रयोग धान या कपास की फसल में कर रहे हैं तो इसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मिर्च, टमाटर या भिंडी में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसे आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यानी धान और कपास में इसकी डोज 100 ग्राम प्रति एकड़। अगर हम सब्जी वर्गी में इस कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी डोज 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको यह ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इसकी रेट की। ग्राउन कीटनाशक का 100 ग्राम का पैक आपको बाजार में 320 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। 10-20 रुपये का इधर से उधर हो सकता है क्योंकि मार्केट का अंतर रहता है। इस कीटनाशक का स्प्रे करते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी है। पहली सावधानी है, अगर आप इस कीटनाशक का प्रयोग अपने खेत में कर रहे हैं तो मुंह पे मास्क और हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। अगर हम दूसरी सावधानी की बात करें, अगर आप इस कीटनाशक का अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं, मौसम साफ होना चाहिए, स्प्रे के 4 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, छिड़काव करते समय पानी साफ होना चाहिए। इस दवा का छिड़काव करते समय स्प्रे में कट नोजल का प्रयोग करें। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी फसल से एफिड, जैसे थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और BPH को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्राउन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी कंट्रोल है, सभी रस चूसक कीटों को यह फसल से ख़त्म कर देता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल से मिलती है आपको नई नई दवाओं की जानकारी। जय हिंद, जय किसान।